हाउ टू सॉफन हार्ड वाटर, कठोर जल को मृदु कैसे बनाया जाए। आपको याद होगा कि कठोर जल में साबुन सोडियम स्टेराइड इस्तेमाल करना मुश्किल होता है क्योंकि ये स्कम बना देता है। यदि आप साबुन इस्तेमाल करते रहेंगे तो अंत में पानी मृदु होने लगेगा क्योंकि साबुन सभी कैल्शियम आयंस से प्रतिक्रिया करके एक स्कम बनाता है जो सतह पर ठोस अवस्था में तैरने लगता है। एक बार सारा कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाए फिर साबुन नॉर्मली काम करने लग जाता है और फिर से झाग बनाने लगता है। हालांकि इसमें साबुन वेस्ट होता है, इसलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सस्ता हो और पानी में कैल्शियम आयंस से प्रतिक्रिया करके प्रेसिपिटेट बनाए और इस तरह उन्हें पानी से अलग कर दे, जैसे वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, जो कि साबुन से काफी सस्ता है। जब आप सोडा डालते हैं, कैल्शियम आयंस कार्बोनेट आयंस के साथ जुड़कर प्रेसिपिटेट के रूप में लाइमस्टोन बनाते हैं और पानी को कठोर आयंस से मुक्त कर देते हैं। अब घोल में सिर्फ सोडियम आयन रह जाते हैं और सल्फेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को संतुलित कर देते हैं जो कि कैल्शियम के साथ हुआ करते थे। आप अस्थाई कठोरता पानी को उबाल कर दूर कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा है, पर यह महंगा है और इससे पात्र के किनारों पर लाइम यानी चूना जमा हो जाता है। एक सवाल है कि अस्थाई कठोरता कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, तो ऐसे कठोर जल को उबालने पर क्या रासायनिक परिवर्तन होता है? वीडियो रोककर इसका जवाब सोचिए। इसका जवाब है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम स्केल है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। कठोरता दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आयन विनिमय रेजिन इस्तेमाल करना। इनमें क्ले की तरह स्थायी आयनिक लैटिस होता है। ये शुरू में धनात्मक सोडियम आयंस द्वारा संतुलित रहते हैं। जब कठोर जल इनमें से होकर बहता है, कैल्शियम आयंस सोडियम आयंस से बदल जाते हैं, मतलब कैल्शियम आयंस क्ले से चिपक जाते हैं और सोडियम आयन जल में आ जाते हैं। इस प्रकार जल मृदु बन जाता है क्योंकि अब उसमें कैल्शियम आयंस नहीं है। जाहिर है एक समय के बाद रेजिन कैल्शियम आयंस से भर जाता है और इसको फिर से सक्रिय करना पड़ता है, और ये करने के लिए गाढ़ा नमक का घोल यानी बहुत सांद्र सोडियम क्लोराइड डालते हैं, जिसकी सांद्रता इतनी अधिक होनी चाहिए कि इससे प्रतिक्रिया रिवर्स हो जाए और कैल्शियम क्लोराइड घोल में आ जाए और कॉलम फिर से सोडियम आयन से भर जाए और इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाए। विभिन्न जल के नमूनों की कठोरता की तुलना करने के लिए आप कठोर जल की एक फिक्स्ड वॉल्यूम यानी आयतन जैसे 25 सीसी लेकर उसमें साबुन का घोल ब्यूरेट द्वारा थोड़ा थोड़ा कर और हर बार हिलाकर प्रवाहित कर सकते हैं जब तक साबुन का झाग न बन जाए। मतलब आपको सतह पर बुलबुले दिखेंगे और जितना साबुन का घोल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा उतना ही पानी अधिक कठोर होगा। संक्षेप में, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए कैल्शियम आयंस को घोल में से निकालने की जरूरत होती है। ये वॉशिंग सोडा या आयन एक्सचेंज कॉलम के द्वारा किया जाता है।